गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू द TSN स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 एंड इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बायोकेमिकल साइकिल्स। बायोकेमिकल साइकिल्स आर द ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द बायोटिक एंड द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो बेटे आपके पास यहाँ पर देखिए इस डेफिनेशन के अंदर फर्स्ट तो एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द बायोकेमिकल साइकिल्स। देन आपको यहाँ पर आंसर लिखना है बायोकेमिकल साइकिल आर द ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द बायोटिक एंड द अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। फर्स्ट वीडियो जो था इस चैप्टर का उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के लिए आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द बायोटिक एंड द अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटे? लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स वो जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स को जीवित रहने के अंदर अपनी हेल्प करती हैं, जिनके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवन संभव नहीं है। तो वो क्या क्या हैं? यस, एयर, नेक्स्ट वाटर, देन सनलाइट। ठीक है, तो अब आप बोलोगे मैम सनलाइट का क्या यूज़ होगा? तो सनलाइट किस काम में आती है बेटे? सनलाइट तो मेन, अगर हम लोग इस चेन की अगर हम लोग बात करें, अगर हम इस साइकिल की बात करें, तो किसी भी साइकिल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो है सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। एंड यू नो वेरी वेल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटे, वो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, और किसकी हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से। तो एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल, ठीक है, तो ये सब ही क्या है? ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स के रहने के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इनके बिना उनका जीवन संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर कुछ कॉमन बायोकेमिकल साइकिल्स की स्टडी करेंगे, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाटर साइकिल, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड कार्बन एंड द फोर्थ इज ऑक्सीजन। ओके, नाउ फर्स्ट वाटर साइकिल। When water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates and rises up. Some water vapor also get into the atmosphere due to a biological activities and the transpiration and the respiration. As the water vapor rises, it cools and the condenses to form tiny droplets of water. This appears as clouds when and the tiny droplets of water join together to form bigger drops of water. They fall down as rain, snow or hail. Some of this water enters the ground and forms groundwater. When water flows from the land to the seas, it carries many nutrients and minerals which are used by marine organisms. तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनकी आई होप कि अगर आपने सेकंड वीडियो देखा होगा इस चैप्टर का, तो आपको ज़रूर इनके मतलब जो हैं वो समझ में आए होंगे कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द कंडेंसेशन, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपिरेशन एंड व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द रेस्पिरेशन। तो मैं एक बार इसको यहाँ बता देती हूँ। ट्रांसपिरेशन का मतलब हम लोगों ने देखा था बेटे कि लीफ की जो निचली सरफेस जो होती है वहाँ पर क्या होते हैं? स्टोमेटल पोर्स होते हैं, और ये जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं इनसे वो वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर जो प्लांट में हो जाता है उसे वेपर फॉर्म के अंदर बाहर निकालते हैं। और इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद में उनके पास ऑक्सीजन बनती है, उस ऑक्सीजन को भी ये यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स का वाटर वेपर की फॉर्म के अंदर जब प्लांट्स बाहर निकाल रहे हैं उन्हें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन यू नो वेरी वेल जो ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स के अंदर होती है। इसके बाद में कंडेंस का क्या मतलब होता है बेटे? कि जो वाटर वेपर है उस समय जब वो वेपर बन के उड़ रहा है पानी, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक प्लेट ले लें, हम धातु की एक प्लेट ले लें और उसके ऊपर अगर हम लोग आइस रख लें, तो क्या होगा कि ये इस तरीके से जो पैन हमने लिया है उस पैन को हम यहाँ पर बीकर में, उसका जो मुंह है वो बीकर की तरफ कर दें, तो ये जो वाटर वेपर जो था वो ठंडा होके पानी बनने लगता है। और ये वाटर किस में
कलेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई समुद्र जो होते हैं उनके अंदर जो सनराइज होते हैं सूरज की, तो जो धूप होती है उसकी वजह से पानी जो है वो इवेपोरेट होता रहता है टिनी ड्रॉपलेट वाटर वेपर के रूप में। ये वेपर जब ठंडी होती हैं तो टिनी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। ये ड्रॉपलेट जब आपस में इकट्ठा हो जाती हैं तो एक क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्लाउड जब किसी माउंटेन से टकराते हैं तो वहाँ पर वाटर की फॉर्म के अंदर बरस जाते हैं। ये जो साइकिल होता है इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। और जब नदियाँ नीचे की तरफ बता रखा है कि जब नदी जो होती है उनमें ही पानी जा रहा है और ये पानी क्या होता है आगे जाके सीज में मिल जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा। उससे पहले उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं जिनका उपयोग मरीन ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बाय डायग्राम मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है वाटर साइकिल के बारे में। नेक्स्ट हमारे कोर्स में है नाइट्रोजन साइकिल, और द नाइट्रोजन द एटमोसफियर इज फिक्स इन टू अ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल बाय अ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड ऑल्सो ड्यूरिंग अ लाइटनिंग। दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर टेकन बाय प्लांट्स एंड यूज टू मेक proteins when animals eat plants, they also get protein when plants and the animals die, bacteria convert the proteins into nitrogen compounds like nitrates and the nitrites, other bacteria convert this nitrogen compound back into a nitrogen in the atmosphere. Nitrogen is an essential component of biological molecules like protein, nucleic acid and some विटामिन्स। तो इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है बेटा कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और प्लांट्स के लिए वो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं ना, लेग्यूमिनेसी फैमिली दैट मीन्स कि चना दाल मटर, ये वाले जो प्लांट होते हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट कहलाते हैं, जिन्हें कि हम दाल कुल के पादप भी कहते हैं। इनमें क्या होता है बेटा, रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से गांठ नुमा इनकी जड़ें होती हैं और इन गांठों को हम लोग क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ये जो रूट नोड्यूल्स होता है ना बेटा, इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है और उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, राइजोबियम एजोबैक्टर, है ना। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड कराता है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो इसका यूज़ करके कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बनाते हैं। और फिर लास्ट में बताया गया है कि जब किसी ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें नाइट्रेट नाइट्राइट्स के अंदर उसकी बॉडी को कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है ये चलता जाता है। यहाँ पर देखिए आप, इसके अंदर आपको पूरी तरीके से शो किया है नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट्स और उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म इन एनिमल्स देन अमोनिया, ठीक है। इसके अलावा ये साइकिल इस तरीके से भी चल सकता है कि प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट, यहाँ पे अमोनिफिकेशन हो रहा है और ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। या फिर ऐसे हो सकता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर जो है नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन से एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन किया, इसके बाद में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ, देन नाइट्राइट्स के अंदर देन डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो हो रहा है और उसके बाद में ये यहाँ पर वापस से नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर ये जाकर एंड होता है। यदि हम बीच वाले साइकिल की बात करें तो अमोनिया जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में वापस से ये यहाँ पर नाइट्रेट्स में और आफ्टर दैट ये प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट्स। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है ये चलता जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है हमारे कोर्स के अंदर जो है वो है कार्बन साइकिल, और कार्बन साइकिल के अंदर बताया गया है कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय अ प्लांट्स टू प्रिपेयर ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द ग्लूकोज इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी एंड द कन्वर्ट इनटू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेन एनिमल्स ईट प्लांट इट एंटर्स द बॉडी ऑफ द एनिमल। जब
प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं तो ये जो ग्लूकोज था वो एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी एंड द कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस। इसके बाद में क्या होता है कि जो हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है उससे क्या बनता है, एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दी जाती है, जिससे कि आगे प्लांट जो होता है वो गेन कर लेता है और वापस से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर इसको काम में लिया जाता है। और जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी जो एनिमल होता है वो अपने डेली रूटीन की जो एक्टिविटी है उसको करने के अंदर उसे उसकी ज़रूरत होती है। अनदर प्रोसेस विच एड्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर इज द कंबशन ऑफ फ्यूल्स एंड लाइक कोल एंड द पेट्रोलियम। जो कोयला और पेट्रोल है बेटा, जब वो बर्न करे जाते हैं, जब वो जलते हैं, तो ये जो कार्बन है ये वापस एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू अ कार्बोनेट्स, लाइम स्टोन, कोल, पेट्रोलियम और इसके बाद में शेल्स ऑफ सम एनिमल्स, एग्जोस्केलेटन जिनको हम कहते हैं, एंड कार्बन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक अ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड। तो ये सब जो है वो कार्बन की फॉर्म्स हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बताया गया है कि कार्बन साइकिल को हमें किस तरीके से बनाना है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमने यहाँ पर लिया है CO2 इन एटमोसफियर, देन यहाँ पर इसकी हमने फोर्थ पाथ जो है वो शो किए हैं। फर्स्ट पार्ट तो ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स, देन रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन हो रहा है और उसके बाद में वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर ये मिक्स हो गया। सेकंड वाला जो है उसके थ्री पार्ट्स यहाँ से निकाले हैं, फोर पार्ट निकाले हैं और उसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता हुआ अगेन वापस से डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका, और ये CO2 इन एटमॉस्फेयर के अंदर कनेक्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट वाला जो है वो कोल, जो कोल है वो बर्न हो रहा है, कंबशन हुआ है इसका और वापस से यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट वाला जो है कार्बोनेट्स इन वाटर, देन लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन के बाद में ये लाइमस्टोन की फॉर्म के अंदर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एनिमल्स है तो इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स के अंदर ये कन्वर्ट हुआ और उसके बाद में नेक्स्ट ये कार्बन साइकिल CO2 एटमॉस्फेयर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर ये वापस से लिंक हो जाता है। तो इस तरीके से कार्बन साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज यूज फॉर रेस्पिरेशन, कंबशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स। ऑक्सीजन इज सेंट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये जो ऑक्सीजन होती है ये बाय द फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर के अंदर आया है, जो एनिमल है उसको उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, उन्होंने अपने काम में लिया है और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को दे दिए। तो ये बहुत शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको ये वाला साइकिल बता दिया है कि एटमॉस्फेयर इन ऑक्सीजन O2 है, देन रेस्पिरेशन, देन वाटर, देन फोटोसिंथेसिस और वापस ही कनेक्ट हो गया। और अगर हम ग्लूकोज वाली बात करते हैं C6H12O6 की, तो ये रेस्पिरेशन, देन CO2, देन फोटोसिंथेसिस और ये अगेन यहाँ पर ग्लूकोज में ये कनेक्ट हो जाता है। तो ये वाला जो है बहुत ही शॉर्ट और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट है आपके पास में द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसकी स्टडी जो है बेटा वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।